हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम आए कसोल। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैं कसोल जो मार्केट आता है वहाँ पे हूँ, और आज मैं आपको कसोल से अपना भुंतर जो मार्केट है वहाँ तक का व्यू पॉइंट और रोड का कुछ वीडियो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है मतलब काफ़ी दिनों के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो बने रहे वीडियो में आखिर तक। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि कसोल का व्यू पॉइंट है, क्योंकि कसोल मार्केट आप देख सकते हैं कि जो ये कसोल का जो मार्केट है इस टाइम लॉकडाउन की वजह से पूरा ही बंद है। मतलब काफ़ी कम शॉप्स मतलब यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये रिवर यहाँ पे बह रहा है, और इसके साथ साथ जो व्यू है वो कुछ ऐसे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये व्यू है यहाँ के, वो भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारे हैं। और इसके साथ साथ ये रिवर और ये कसोल का मार्केट पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पुल है और काफ़ी खूबसूरत पॉइंट है, ये देखने में आपको मिलता है अगर आप कसोल आते हो। तो ये आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कसोल से भुंतर तक का व्यू पॉइंट और रोड कैसा है, और इसके बीच में आपको कौन कौन से व्यू पॉइंट देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा और साथ में दिखाएँगे भी। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, और बने रहे वीडियो में आखिर तक। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो व्यू आपको देखने को मिल रहा है ये पार्वती वैली का है, और ये पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसमें पूरा स्नोफॉल ही स्नोफॉल है। और इस साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है, और इस साथ काफ़ी होटल, और साथ में बह रहा है रिवर, और इस साथ साथ ऊँचे ऊँचे माउंटेन जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपको काफ़ी घना जंगल देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और ये अपना रोड है जो कि हमें अभी भुंतर ले जाएगा। तो अगर आप भी कसोल आना चाहते हैं तो आपको पहले भुंतर आना होता है, तो वहाँ से अगर आप बस या टैक्सी में आप जो है कसोल आ सकते हैं, तो आप कसोल आके मतलब अपना मणिकर्ण, जरी और मलाना जैसी जगह घूम सकते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी और भी काफ़ी खूबसूरत जगह यहाँ पे आपको घूमने को मिल सकती है अगर आप यहाँ पे आते हैं। तो काफ़ी जगह का एक्सप्लोर आप यहाँ पे कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा हॉल है यहाँ पे। और इस टाइम कोरोना के चलते काफ़ी ज़्यादातर शॉपें बंद है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, बातें तो होती रहेगी। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं कुछ और व्यू पॉइंट आपको। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी खूबसूरत व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे काफ़ी ऊंचे माउंटेन यहाँ पे है, और ये देख सकते हैं साथ साथ रोड काफ़ी खूबसूरत रोड है, और इस टाइम मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो ये देख सकते हैं पूरा व्यू पॉइंट, और चले चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि कसोल से भुंतर आते समय या फिर भुंतर से कसोल जाते समय रास्ते में कुछ ऐसे व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, और आसमान भी काफ़ी खूबसूरत इस टाइम हो रखा है। और ये आता है अपना विलेज, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी प्यारा है ये विलेज भी, और ये देख सकते हैं आप पूरा। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और कैसे आ सकते हैं आप इसके बारे में भी आपको मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो चले चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, ये भी देख सकते हैं आप कि एक व्यू पॉइंट ये भी आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी प्यारा है। ये आपको मैं विलेज दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके देख सकते हैं आप, ये विलेज है। तो ये कुछ व्यू यहाँ से देखने को कुछ ऐसे लगते हैं, देख सकते हैं आप, और काफ़ी प्यारे और काफ़ी खूबसूरत व्यू, और काफ़ी ऊँचे ऊँचे माउंटेन, और माउंटेन के बीच में लोगों ने घर बना रखे हैं, जैसे मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, शायद से दिख जाए, ये दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम करता हूँ। ये देख सकते हैं आप सामने, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सामने ऊपर दिख रहा है। ये लोगों ने मतलब अपने पहाड़ पे जो है घर बना रखे हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है। और ये रोड, और ये लगा रखी है मैंने अपनी टैक्सी, और यहाँ को क्या कहते हैं, ये देख सकते हैं 1 किलोमीटर आगे ये स्टेशन आएगा भी। तो ये देख सकते हैं आप, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो ऐसे ही खूबसूरत व्यू आपको मैं इस वीडियो में दिखाता रहूँगा। तो चले चलते हैं आगे की ओर। तो ये देख सकते हैं आप कि ये भी काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ऊँचे माउंटेन, और साथ में रिवर जा रहा है, और ये पूरा विलेज यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और ये पूरा आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस साइड भी आपको जो है काफ़ी ऊंचा माउंटेन देखने को मिलता है। और ये जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सामने आप ये छपड़ा सा देख रहे हैं, जो कि ये ट्रॉली जो आप अभी देख रहे हो इस कारों के इस बीच में, तो इससे जो है सामान यहाँ इस रोड से जो है ऊपर गाँव के लिए ले जाया जाता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर घर है, तो यहाँ से जो है सामान ऊपर ले जाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इस तरीके से रहता है। ये आप देख सकते हैं और पीछे कुछ इस तरीके से डंडे खड़े रहते हैं जिसमें तारों का बांधा जाता है और इसी में जो है सामान ऊपर भेजा जाता है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी लंबा स्पैन इसको कह सकते हैं, तो इसमें जो है सामान लोग जो है दूर दूर तक ले जाते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। ये देख सकते हैं आप कि ये जो है नेक्स्ट व्यू पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ से भी देखने को मिलता है। और ये देख सकते हैं आप विलेज और साथ साथ रिवर जा रहा है, और ये देखिए आप, और ये व्यू और ये रोड और ये आसमान, ओ भाई साहब मतलब बोलते ना गजब का व्यू वैसा है, और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी कमाल का है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए और घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर और देखते हैं कुछ आगे कुछ और मिले वो आपको भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो में अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये कसोल से भुंतर तक का जो है लास्ट व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलता है। कि यहाँ से जो भुंतर अपना है वो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। और ये आप सामने देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं, और ये आप देख सकते हैं कि हमें मेरी गाड़ी भी लग चुकी है। तो दोस्तों ये आप पूरा हमें आपको आज इस वीडियो में कसोल से भुंतर तक का पूरा आपको वीडियो दिखाया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको कसोल से भुंतर तक का पूरा व्यू पॉइंट और रोड कैसे आप जा सकते हैं, जैसे कि भुंतर से आप अगर कसोल, मणिकर्ण या मलाना या फिर खीरगंगा जैसे काफ़ी ट्रैक है और काफ़ी व्यू पॉइंट वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप उस साइड जाना चाहते हैं तो आप मतलब भुंतर से बस या टैक्सी में आप जा सकते हैं, और उसके बाद मतलब जो होगी आप अभी व्यू पॉइंट जो मैंने आपको दिखाए, जैसे अभी जो लास्ट व्यू पॉइंट मैंने दिखाया वो सिर्फ भुंतर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसके साथ दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और नए नए वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो आपको देखना है, कौन सी जगह जाना है। दोस्तों मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो जैसे कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वो ये अच्छी सी जगह मेरे को अगर दिखती है तो दोस्तों मैं वहाँ का एक वीडियो बना देता हूँ। तो ऐसे स्पेशली तो मैं बहुत कम ही जा पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा आपको पता है इस टाइम लॉकडाउन भी लगा है। तो आज का ये वीडियो मैं मतलब 9 दिन के बाद अपलोड करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखिए, धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।